आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, भगवान की पवित्र कथा को चलते हुए जो आज विराम का दिन है, भक्तों भगवान की चर्चा कर रहे हरिहर क्षेत्र गंगा किनारे बैठे हुए व्यास के पुत्र श्री अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए बोले हैं, सुनिए प्राणंदर परीक्षित, आयु से जगह गौर करते हैं या कथा को प्रसन्न चल रहा था। उद्धव जब वृंदावन में गए हैं, माँ यशोदा से जाकर के मिले हैं, सारी कहानी सुनाई है। उद्धव वृंदावन की गलियों में घूमने के लिए जब गए हैं तो क्या देखते हैं कि वृंदावन के बाहर कुछ गोपियां कुली पर पानी भर रही हैं, कोई गागर चल में डाले हैं तो उठाने का ध्यान नहीं है, कोई गागर सर पे रखे हैं तो घर जाने का ध्यान नहीं है। उद्धव जी सोचने लगे, माना पड़ता है कन्हैया की ब्रह के दिनों में भी अखुन है, कहीं यही तो गोपियां नहीं है। देखा है उद्धव जी ने कैसी दशा है उन गोपियों की, वहां गोपियों की देखा है कोई गागर जल में डाले हैं तो उठाने का ध्यान नहीं है, कोई गागर सर पे रखे हैं तो घर जाने का ध्यान नहीं है। उद्धव जी सोचने लगे कि मालूम पड़ता है कन्हैया की ब्रह विद्रोह में व्याकुल है, कहीं एक गोपियां नहीं है, देखे कि गोपियां कहीं नहीं गया। गोपियां आपस में बातें करने लगी, बहन ना जाने हमसे ऐसी कौन सी भूल, ना जाने हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो कन्हैया हमसे रुष्ट हो गए। परसों क्यों कह के गए हैं श्याम, बरसे विपरीत होगी लौट करके नहीं आए। भक्ति जनो इधर चंद्रा बोली है, बहन आएंगे लेकिन अभी नहीं आएंगे, तब आएंगे जब मन की बिरही लगी ग्रह वेदना में रूढ़ करके मर जाएंगे, आएंगे लेकिन अभी नहीं आएंगे। Thank you.
आएंगे लेकिन अभी नहीं आएंगे, तब आएंगे तब उनके सही लगे ग्रह वेदना पर रुजू करके मर चल पड़े। आएंगे लेकिन अभी नहीं आएंगे, तब आएंगे जब उनकी बिलही करके मर जाएंगे। गोपियां आपस में बातें कर रही है, बहुत देर हो गई उद्धव जी को खड़े खड़े, और जब बहुत देर हो गई उद्धव जी पर नहीं रुका गया तो उद्धव पास में पहुंच गए। बोले बहनाओं, बहुत देर से हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, कोई कागज जल में डाले हैं तो उठाने का ध्यान नहीं है, कोई कागज सर पे रखे हैं तो घर जाने का ध्यान नहीं है, किसकी ग्रह वेदना में व्याकुल हो, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। चंद्रा बोली, आइए, क्या नाम है तुम्हारा, तुम कुछ अपनी दीदी कहो, हम कुछ अपनी दीदी कहे, आओ अपनी रीति कहो, हम कुछ अपनी रीति कहे, आओ। अपनी रीति कहे हैं तो उधर ने कही है, बहना मैं मथुरा नगरी से आया हूं, तुम लोगन के समझ है तो संदेश ओ हरि को लाया हूं। बहना मैं मथुरा से आया हूं, कन्हैया न बैठे जाए थे और ये खत लेकर के हम तुम्हारे पास आए, कन्हैया न कि गोपियां सब योग्य बन करके रहे हैं, कन्हैया किसी कारण आने में असमर्थ है, वो अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकते हैं। चंद्रा बोली है, धरती ये कागज का टुकड़ा लेकर के आए, वही हमें क्या दहन दहन कराएगा, क्योंकि यहां तो पहले हमें नहीं बुझे जाते, और ये कागज का टुकड़ा लेकर के आए, ये हमें क्या दहन दहन कराएगा। उद्धव बोली, बहना
बड़े किस्मत की बात है कि तीनों लोगों के नाम तुम्हारे साथ में खेल कूद करके बड़े हुए हैं। वो भगवान है, अवतार ही है। जो तेरे शब्द राधा ने सुने तो राधा बोली उद्धव जी जरा हमसे भी मिलिए, इधर आ जाए। तुमने भगवान बता रहे हो, दुनिया के लोग उन्हें चाहे भगवान समझे चाहे अवतारी समझे, लेकिन कन्हैया को मैंने कुछ और दृष्टि से देखा है। क्या? हाँ, राधा बोली उद्धव जी तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन हमारी बात सुनो।